कर्नाटक में कुमार स्वामी सरकार के पहले बजट में तेल की कीमतें बढ़ाए जाने के फैसले से केवल आम आदमी ही नाराज है। प्रदेश की गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस को भी इस फैसले से आपत्ति है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले हफ्ते जब सीएम कुमार स्वामी बजट अप्रूवल के लिए रखेंगे तो कांग्रेस तेल की बढ़ी कीमतों के फैसले को वापस लेने की मांग करेगी। अपने बजटीय भाषण में कुमार स्वामी ने पेट्रोल और डीजल पर स्टेट टैक्स 2% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। ऐसा करके कर्नाटक सरकार 34,000 करोड़ रुपए की किसान लोन माफी के अपने महत्वाकांक्षी स्कीम के लिए फंड का जुगाड़ करना चाहती है। यह फैसला उस वक्त आया जब कांग्रेस और अन्य क्षेत्र दल तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं।